गाइस व्हाट्सअप सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है जैद खान। और गाइस बहुत बहुत शुक्रिया हमारा चैनल देखने के लिए, आप सबको ढेर सारा प्यार मेरे तरफ से। गाइस मैं अपने खेत में खड़ा हूँ इस वक्त, सुबह सुबह का वक्त है, मॉर्निंग का वक्त है और बहुत प्यारा सा मौसम है, ठंडी भी है, हल्की हल्की ठंडी लग रही, मगर ये ठंडी बढ़ते ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बिकॉज इस वक्त 16 डिग्री ठंडी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंडी है 16 डिग्री, मेरे लिए तो बहुत ठंडी है, मैं तो मुंबई का हूँ, हम लोग के लिए 16 डिग्री बड़ी ठंडी जाती है। तो यहाँ पारा गिरता है तो कम से कम ये 4 और 5 पे पहुँच जाता, तो उस वक्त इतने कोहरे होते हैं कि आपको यहाँ का कुछ नहीं दिखेगा। और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर खेती हो रही है मेरे खेत के अंदर, और मेरे नाना, मेरे दादा, मेरे मामू, मेरे चाचा सब यहीं रहते हैं और सबका खेत यहीं पर है, तो मेरा भी खेत है यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे आप लोग को सबको दिखाना था, बिकॉज कुछ लोग को पता ही होगा और कुछ लोग जिसको नहीं पता है, मैं उनको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से खेती का प्रोसेस होता है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सीरियसली अगर आपने नहीं देखे हो, बॉम्बे की लाइफ देख रहे हो, अगर आपका गाँव की लाइफ नहीं देखे हो तो देखो कितना प्यारा और कितनी सुकून और कितनी इज्जत भरी लाइफ है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग, यहाँ की चीज़ें, यहाँ का मौसम, खेत खलियान, दिल खुश हो जाता है। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बने रहिएगा। सो गाइस ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हमारा गांव, कितना प्यारा है, इतना खूबसूरत सा गांव है। ये देखिए यहाँ का जो धान उगता है ना, जो यहाँ के धान के अंदर जो चावल होते हैं, जो जितने भी यहाँ पर खेती होते हैं, ये अलग अलग किस्म के बहुत डिफरेंट टाइप के चावल उगाया जाता है। किसी की बासमती चावल होता है, कोई छोटे टुकड़े वाला होता है, कोई मोटे चावल होते हैं, मगर एक अलग अलग पैदावार है यहाँ के चावल के, उसके हिसाब से लोग सीड्स डालते हैं। और फिर अभी ये टाइम हो चुका है, जो हरा भरा खेत था अभी सूख गया है, मतलब धान रेडी है, फसल कटने को तैयार है। हमारा भी घर है और भी हमारे बहुत सारे खानदान वाले यहाँ पर, इसी इटैरामपुर खास में यूपी में। देखिए गन्ने की खेती है, ये है खेत का प्रोसीजर, ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने आया है। मशीन्स को देखिए किस तरीके से मशीन अपने लपेटे में सभी की सब यहाँ के खेत को उसमें ले लेती है। और ये टोटल कटिंग होने के बाद यहाँ से इसका घास अलग हो जाता है, इसके सीड्स जो है ये टैंक में जमा होते हैं, और इसके जो बैक साइड है एक छोटा सा वो पाइप टाइप दिया हुआ है, जो वहाँ ट्रॉली आपको दिख रही है, वहाँ ट्रॉली खड़ी है, उसके अंदर टोटल अनाज जो इसके अंदर जमा हो रहा है वो ट्रॉली में डाल देंगे। तो ये हमारे घर की ट्रैक्टर है और ये जो यहाँ पर ट्रॉली है इन्होंने अलग कर दिए थे, तो मैं आपको दिखाऊंगा टोटल प्रोसीजर यहाँ का, खेत जो कटिंग होता है और खेत के अंदर कटिंग होने के बाद जो इसके सीड्स, इसके जो सीड्स जो होते हैं, इसके जो अनाज होते हैं, वो अलग तरीके जमा किया जाता है यहाँ पर, जैसे जमा है ये। और पहले जो प्रोसीजर था, जो किसान बेचारे घंटों मेहनत करते थे इसको कटिंग करना, फिर उसको अलग से अलग उसका सीड्स अलग करना, उसका जो ग्रास है, उसका जो घास है वो अलग करना, तो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर था, मगर अब वो प्रोसीजर को एकदम आसान हो गया, क्योंकि माशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर अच्छी सी टेक्नोलॉजी है और काफ़ी इन लोगों को काफ़ी आराम, इन किसानों को काफ़ी आराम हो जाता है इस चीज़ों से, क्योंकि जो जिन कामों में घंटों लगते थे वो अभी कुछ मिनटों में साफ़ सफाई हो जाती है। मतलब ये मशीन इतना क्लास मशीन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो कभी गांव आया नहीं था, ये मेरा फर्स्ट विजिट है गांव में, तो मेरे लिए तो ये नई चीज़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। क्योंकि अभी देखिए सर सामने आपको ये मशीन दिख रही है, अब ये जो आगे का सिस्टम है, जो भी खेत के अंदर जितने भी फसल है उसको फुल कटिंग करता है ये, और कटिंग करके इसका जो पीछे का जो हिस्सा है वहाँ से पूरा ग्रास फेंक देता है, और जो भी इसके अनाज है वो उसका जो टैंक दिख रहा है एकदम बड़ा वाला, ये वाला टैंक मेरे ख्याल से, ये टैंक में टोटल अनाज जमा करके फिर उसके आगे का जो पाइप गया हुआ है वहाँ से वो अनाज पूरा की पूरा इस ट्रॉली में डाल देता है। और जब ये जो घास बच रहे हैं ना,
इसमें कुछ थोड़े बहुत अनाज रह जाते हैं, तो ये बेचारे यहाँ के जो लोकल एरिया के लोग हैं और तो ये बेचारे आते हैं यहाँ से, वो अनाज जो मशीन नहीं ले पाता वो कटिंग करके खुद के लिए ले जाते हैं। तो ये बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट हो ही जाता है और साथ साथ में बेचारे जो इनको अनाज की ज़रूरत होती है, ये बेचारे जो मज़दूर होते हैं ये खुद के लिए भी लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक टाइम पे दो काम हो जाते हैं। तो देखिए किस तरह घास पीछे से गिर रहा है, ये पीछे का हिस्सा यहाँ से घास गिर रहा है। मतलब बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी मशीन से, और ऐसी एक मशीन नहीं, ऐसे बहुत सारी मशीनें हैं जो गेहूँ चावल और अलग अलग अनाजों के लिए मतलब काम आती है। और ये अभी खासकर यहाँ पर तो चावल की कटिंग हो रही है और खेत में अलग अलग टाइप के चावल उगाए जाते हैं, क्योंकि ये किसान काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं इनको उगाने के लिए। ठीक है, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन किसानों को बहुत फैसिलिटी दी जाए और इनका मेहनत देख के तो दिल खुश हो जाता है यार। सीरियसली, हम बॉम्बे में रहने के बाद हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारा काम बहुत बड़ा होता है, मगर नहीं यार, हमसे बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं ये। और सल्यूट है इन किसानों को, और हमारा ढेर सारा प्यार आप सभी किसानों को, हिंदुस्तान के हर किसानों को बहुत ज़्यादा प्यार हमारा। मतलब ये मिनटों लगता है, फटाफट अगर ये एक जगह से गया तो पूरा साफ़ करके ख़त्म कर देता है मशीन। मतलब बहुत अच्छा प्रोसीजर है, टोटल प्रोसेस बहुत अच्छा है। गाइस हम लोग ये देख सकते हैं एकदम नज़दीक से अलग कर देता है ना। वाओ, एक नंबर है, सुपर यार, जबरदस्त। तो ये टोटल इसका पूरा प्रोसेस है, जिसके साथ ये पूरा अभी आगे जाके पूरी कटिंग करता है और घास को, और साथ में जो उसका घास है वो अलग हो रहा है, और जितने भी इसके जो धान है, मतलब इसकी जो मेन इसका फसल है, वो अपने पास जमा करके मंसूरी चावल। ये मंसूरी चावल है। अब इसका फिर इसके बाद भाई इसके बाद क्या होगा इसका? ख़त्म हो गया इसके लिए, इतना ही काम। ये मशीन स्टार्ट हुआ, ये मशीन निकलेगा, फिर इस घास पे जाके पूरा की पूरा कटिंग करके अंदर तो जमा करेगा ये। ये लील गए और एकदम नज़दीक गया मशीन। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई। अब उसको लपेट ना डाले यार। नहीं साइड में, बहुत दूर है। अच्छा, इस मोबाइल में ऐसे दिख रहा है। वो साइड यार, ये मशीन बहुत फायदे की है यार, बहुत मस्त है। कितने तो ये तो हाँ यार, ये तो 15-20 मिनट में सब साफ करके खत्म कर देगा यार। वो सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब आगे से काटता है और पीछे से क्या वो घास वास फेंक देता है, और जो इसके अंदर का अनाज है ना वो टैंक में डालता है। टैंक में अच्छा सिस्टम है यार। भागा कि नहीं लील गए? मतलब ढीट वाला है वे लील गए तो, अभी भी खड़ा ही है। हाँ मिला ना भाई, सामने तो खड़ा है। बिकॉज सामने से आएगा ना, सामने का सीन लेना बहुत अच्छा लगता है। तो इनका झुंड आता होगा तो पूरा खेत खराब कर देते होंगे यार। हाँ मगर जो इनका सिस्टम है काटने वाला ना, बहुत प्यारा है। मतलब पीछे से जो भी लेके घास फूस से निकल जाएगा, जो अनाज है वो टैंक में चले जाएगा सीधा। तो मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगा ये कटिंग करने का यार। अच्छा है, फटाफट काट के ख़त्म। ये लोग कुछ एक बीघा का कितना लेते? 400।
एक बीघा का 400 रुपया लेते हैं। ओके से लगा, मौसम बहुत प्यारा है, क्लाइमेट यहाँ का बहुत प्यारा, ठंडी तो बहुत पड़ती है यहाँ पर। अभी तो फिलहाल तो ये कटिंग हो रहा है, सब अपने अपने सिस्टम के हिसाब से हो रहा है। खेती में जो कटिंग होने के बाद जो उसका घास अलग हो जाता है, उसके सीड्स अलग हो जाते हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है। फिर उसके बाद जो उसके अंदर का जो उसको धुना जाएगा, मतलब उसको साफ सफाई किया जाएगा, चावल निकलेगा और जो उसका जो चावल के ऊपर का जो वो रहता है ना कवर, वो अलग हो जाएगा, चावल अलग हो जाएगा। उसकी भी मशीन्स होती है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइज ये प्रोसीजर लेने के लिए ये वक्त भी नहीं लगाता है। इससे पहले ये आप खेत देखिए पूरा साफ हो चुका है, वहाँ पर कुछ खेत बचे हुए हैं तो ये टोटल चीज़ साफ हो गया है यहाँ पर, मतलब समझ लो और 25 टू 30 मिनट्स में ये टोटल ख़त्म हो गया। जिस चीज़ के पीछे हमको लगते थे घंटों, दो घंटा, ढाई घंटा, तीन घंटा, चार घंटा भी लग सकता था, 4 आवर्स कम से कम लग सकता था, उसको इन्होंने हाफ एन आवर में कंप्लीट कर दिया। तो गाइज ये टेक्नोलॉजी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ ही साथ इसके बाद जो चावल और उसके अंदर का जो सीड्स का जो कवर होगा वो अलग होगा, तो वो भी आपको दिखाऊँगा। फिलहाल अभी तो ये जा रहे हैं राइस उसमें डालने के लिए, जो अनाज उसमें जमा हुआ था वो डालेंगे अभी। देखिए ये प्रोसेस हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ आगे अपने भाई के साथ, द मोस्ट स्कॉलर पर्सन, और ये हमारे करेक्टर है, हमारे मामू, हमारे घर, हमारे खानदान का प्यारा सा करेक्टर है। अच्छा लगता है यार। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ के खेत में जहाँ पर ये खाली होके आ चुका है, देख रहे हो थोड़ा आ गया है ट्रलिया, क्या हो रही है, खाली हो रही है, ट्रॉली खाली हो रही है, और मैं चढ़ा ऊपर, लोगों को बताता हूँ। सॉरी मेरे बाल बहुत लंबे हो गए और हम ट्रैक्टर से निकल चुके हैं। ओए सफाई करो, ऐसे करो, ए बच्चे तो, हेलो एवरीवन, इसमें से डांस किसको आता है, डांस करो, डांस डांस किसको आता है, जल्दी करो, हाँ जल्दी करो, जल्दी बंद हो जाएगा, जल्दी एक डांस कर दो, चलो जल्दी मुर्तुजा, अरे एक नंबर मुर्तुजा भाई, चलो मुर्तुजा डांस करो, जल्दी करो मुर्तुजा, जल्दी करो, कर बे शर्मा दे, कर कर दे ऐसे कुछ कर दे, अबे मेहरारू है क्या। तो गाइस देखिए ये मेरा भाई, मेरे मामू का लड़का, बहुत ही मेहनती, माशाल्लाह बहुत ही स्वीट है, और पढ़ाई में भी माशाल्लाह बहुत तेज है, क्योंकि अभी ये बीएससी फाइनल ईयर है इसका,
मैं शॉक हो गया जब सुना कि इसने टेंथ में आई मीन इसका सीबीएसई बोर्ड था उसमें इसने 99.6% लाया है बंदे ने, तो बहुत बड़ी बात है यार। मैं तो सोचा यार ये बंदा यार क्या है, क्योंकि इसने कभी बताया नहीं था। कल एक टॉपिक निकला तो मुझे मालूम पड़ा कि यार ये इतना माशाल्लाह इतना तेज़ है पढ़ाई में, वो भी करने के साथ साथ स्टडीज़ भी करने के साथ साथ माशाल्लाह यहाँ की खेती भी संभालता है और साथ साथ में इसको ट्रैक्टर तो बाखूबी चलाता है, मतलब बहुत अच्छा चलाता है। और ये है अपने भाई पंजाब के जो जिनकी मशीन वहाँ पर आपको दिख रही थी, आपको थोड़ी देर पहले मशीन दिखाया था। और ये बच्चे अंदर मस्ती करते हुए, यजदानी हाय बोलना, ये मेरे मामू का सबसे छोटा लड़का ब्लैक में, हाय बोलना मामू, ये यजदानी, यजदानी हाय करो, हेलो। ये मामू का लड़का, ये उतर रहा है सैफ भाई जो मोस्ट स्कॉलर पर्सन, मतलब मैं एक छुपा हुआ इंसान था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था इसके बारे में कि ये इतना सलाम इतना तेज़ है और खेती भी करता, मतलब टोटल ऑलराउंडर है यार सीरियसली। मुंबई में तो इसका खास मकसद है मुंबई जाना, क्यों जा रहा है वो भी आपको एक अलग ब्लॉग्स में बताया जाएगा क्यों जाना है इसको मुंबई। हंस रहा है वो अंदर ही अंदर, मगर मैं सब जानता हूँ इसका, ये छुपा रुस्तम आदमी है। तो खैर जो भी है तो हाय तो कर दोगे भाई, पब्लिक अगर जाना चाहती थी इतना तारीफ की आपका यार। तो देखो मशीन के एकदम करीब जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि मशीन का क्या सिस्टम है, ये ब्लेड कैसे कटिंग होता है। तो ये है उसके ब्लेड्स, यहाँ से ये पूरा मशीन को, ये पूरे खेत को जितना भी है यहाँ से उड़ाता है ये। तो टोटल कटिंग यही ब्लेड से होती है और इसका प्रोसेस बहुत प्यारा हुआ है। तो ये नज़दीक यही मशीन है और ये भाई है, हाई हाई करो भाई, हाथ दिखाओ। हाँ दोनों की मस्ती चल रही है, एक पंजाबी मैन है और एक है यूपी मैन, मगर दोनों उतने भाईचारा और मोहब्बत भी है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? संदीप। संदीप भाई, संदीप भाई इस पर टोटल मेहनत करते हैं, संदीप भाई अपने पंजाबी भाई हैं जिनकी मशीन है ये, और इस मशीन के द्वारा सब खेतों में जाके ये करते हैं। ये एक्चुअली ये मशीन जो है इसको चलाना, इसका प्रोसेस कैसे करना है कैसे, संदीप भाई जानते हैं टोटल। इनके ऊपर जो बैठे हुए थे जो मशीन को चलाया जा रहा है वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका नाम तो मुझे पता नहीं, मैं ऊपर तक गया नहीं हूँ। ए रुको मैं भी आ रहा हूँ। तो गाइस मैं बैठा हूँ अपने चावल पे, ये देखिए अपने दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? अरबाज। अरबाज भाई शाहरुख खान, तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम ही नहीं है क्या तुम्हारा? मजा आ रहा है भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है इसके ऊपर बैठने का। एक बार तो ये हमारा भाई आया है, बहुत ही खूबसूरत भाई है, देखो एकदम हनी सिंह जैसा बाल रखा हुआ है, और बहुत मजा आ रहा है धान में बैठने के लिए। और अभी तो तुमने पूरा प्रोसीजर देख लिया, धान कटिंग होने से लेके उसका प्रोसीजर कैसे मशीन में से जो ये इसके जो जो चावल है वो कैसे एक टैंक में जमा होता है, फिर टैंक से कैसे बाहर आता है, और साथ ही साथ इसका खास की जो कटिंग होती है, खास कट होके अलग हो जाता है, और आगे से जो उसके ब्लेड्स वेरेट्स कैसे कट होते हैं, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया गाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, होप आप भी बहुत इंजॉय किए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रोसेस हो गया है और अभी हमारे घर पे ये ट्रॉली आ चुकी है, और देखिए मशीन का टोटल प्रोसेस होने के बाद, और ये हमारे मामू हैं जो अभी पूरे चावल को नीचे, धान को नीचे बिछाया जा रहा है, इसको फिर यहाँ पर सुखाएंगे और फिर एक मशीन दिखाएंगे। कितना सारा आया है, बाप रे बाप, मेरे ख्याल से 1 टन होगा ऑलरेडी, पहले भी गिरा के गए हैं। सीरियसली एक अलग एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है देखने। प्रोसीजर है और आपको यही दिखाना मेरा मकसद था कि ये किस तरीके से कटिंग होता है, किस तरीके से मशीन सबको अलग करती है, इस ट्रॉली में पूरा जो भी चावल है अनाज है ट्रॉली में जमा कर देती है, और फिर आने के बाद ये हमारा घर के बाहर हम लोगों ने ये बिछाया हुआ है, मैं इसके ऊपर ये पूरा की पूरा धान है अभी फ़िलहाल, तो अभी इसको सुखाया जाएगा, सुखाने के बाद इसको एक मशीन में डाला जाएगा, वो भी एक मशीन का प्रोसेस है जहाँ पर इसके धान के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ देखिए, ये है बासमती राइस,
और फिर इसको पास पड़ी राइस है और इसको फिर सुखाने के बाद इसके अंदर से जो इसका जो ऊपर का जो छिलका है इसका जो कवर है वो अलग हो जाएगा और चावल अलग हो जाएगा। तो हमारा चावल तैयार हो जाएगा खाने के लिए। मेरे ख्याल से एक साल दो साल के लिए तो ये हो ही जाता है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। तो इसी तरीके से अगर आप मुझे प्यार देते रहोगे गाइज तो मैं एक से एक वीडियोज़ आपके लिए डालता रहूँगा और काफ़ी ट्रैवलिंग होगी हमारी। सो गाइज, माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैंने बहुत लंबी वीडियो बना दी क्योंकि इसमें बहुत कुछ था आपको बताने के लिए इस गाँव के अंदर इस फार्मिंग के लिए। मगर गाइज, मैं 20-20 मिनट्स का वीडियो बना दिया हूँ, इसके लिए थोड़ा लंबा हो गया है। तो प्लीज़ इसे देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाला हूँ मैंने, बहुत टोटल इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज। गाइज, एक और बात बोलना चाहूँगा आपसे, अगर आपको कुछ भी बोलना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए खेत के रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और गाइज, ये तो मेरा एक पहला ब्लॉग था और ये सेकेंड ब्लॉग्स के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा क्योंकि सेकेंड ब्लॉग्स बनाने जा रहा हूँ। सेकेंड ब्लॉग्स है जो अभी हार्वेस्टिंग हुआ है उसके बाद जो उसकी सीड्स निकली है, सीड्स ये एक इसको कहते हैं कि हम लोग धान कुटाने जाते हैं, धान कुटाने उस कवर को निकाल के चावल को पॉलिश किया जाएगा और उसकी एक मशीन्स होती है वो आपको मैं डेफिनेटली सेकेंड ब्लॉग में दिखाऊंगा। सो बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।